भिंड में दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मोहल्ला, कॉलोनी, सरकारी संस्थाओं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही करीब 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है। सिंध कुमारी और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नदी किनारे की फसल भी खराब हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन की कोई भी टीम अब तक नहीं आई है। लोगों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। इस दौरान ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। आज हम पहुंचे हैं बाढ़ क्षेत्र इलाके में। अभी हम खड़े हैं भिंड विधानसभा के कचोंगरा गांव में, जहां कुंवारी नदी का खतरे के निशान से 5 फुट ऊपर है। अब ऐसे में यहां पर जो किसानों की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। किसानों की फसल जो है वो पूरी तरह से डूब रही है। ऐसे में किसानों के लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ जो डैम के 5 गेट खोले गए, जिससे इसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कोई टीम नहीं आई है। किसान इसको कच्ची फसल को ही काट रहे हैं। इसमें अभी बाल भी पककर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि इनकी फसल जो है बहुत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं। अभी तक कोई टीम नहीं आई। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े, किसान खड़े हुए हैं जिनकी यह फसल है। हम उन किसानों से बात करेंगे कि कितनी फसल, जी आपकी कितनी फसल है? ये 50 बीघा ठोर है साहब, हम 4 भाई हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी कितनी फसल यहाँ पर डूब चुकी है? ये डूब चुकी है 40 बीघा साहब। जब पहली बार यहाँ डूब रही है? अरे 2-3 साल से जब नदी आती जब ही डूब जाती है, यह सुनवाई कोई होती नहीं। तो नदी के किनारे लगभग कितना बाजरा होगा इस मोजे में? अब ये मोजे में तो साहब 2 एकड़ की जमीन है। अच्छा, हाँ। तो अभी कोई जिला प्रशासन की टीम यहाँ कोई नहीं आई साहब, आती ही नहीं है। हाँ, तो अब कच्ची फसल आप क्यों काट रहे हैं? अब काट रहे हैं साहब, जानवर को 1-2 दिन खा लेंगे और क्या होगा। अब इसका हो गया, नष्ट ही होना है इसको। तो आप क्या काम धंधा क्या करते? कुछ नहीं करते साहब, यही हमारा काम धंधा किसानी का ही। तो लगभग मतलब आपकी कितनी जो इसमें खर्चा कितना आ जाता? अब खर्चा क्या साहब, अब ये देख लो 800 रुपया का तो ये बीज ही आया, 1 थैली या 2 किलो का। हाँ, कुछ महिलाएं हमारे पास खड़ी हुई जी। आपकी कितनी फसल यहाँ बर्बाद हुई है? 50 बीघा। तो पूरी पानी से डूब चुकी है? पानी से पूरी फसल डूब चुकी है और बहुत परेशानी है। खबे का चलोगा वो पानी नहीं। तो काम धंधा आप इसके अलावा और कुछ काम? कुछ नहीं है काम, कछु नहीं। किसान छोड़े ना और कछु काम नहीं है। अब तो मर रहा है, कछु नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसके अभी कोई प्रशासन की टीम नहीं आई? कोई नहीं आई, कोई सुना ही नहीं। वो तो हमेशा ही आ जाता, हर साल ही आता। साल बाद फसल यहाँ बर्बाद हुई है? हर साल ही होता है, 3-4 साल तो हर साल ही हो रही। और भी लोग खड़े जाने। आपकी कितनी बीघा की फसल थी यहाँ? 50 बीघा। तो कितनी मतलब बर्बाद हुई है? पूरी डूब चुकी है ये तो, पूरी फसलें डूब चुकी। कौन सी नदी है? कुंवारी। गांव कौन सा है? कचोंगरा। तो अगर कोई प्रशासनिक टीम नहीं आई? कोई नहीं आओ। तो यहाँ लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की कोई टीम नहीं आई है और लगातार यहाँ किसान परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बीघा में यहाँ काफ़ी एकड़ की संख्या में यहाँ पर जो नदी के किनारे जितनी भी फसल है पूरी तरह से फसल नष्ट हो चुकी है। अब ऐसे में किसान क्या करेगा कि किसान इतने पैसा लागत लगाकर उसके बाद किसान बोवनी करता, उसके बाद भी उनकी फसल नहीं हो पाती है। भिंड से अनादि टीवी के लिए अखिलेश सिंह की खास रिपोर्ट।